नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पाक भैया। कैसे हो दोस्तों आप सभी? सो दोस्तों, आज थोड़े से कन्फ्यूज़न में था, इसी के रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी है मुझे। कि क्या कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न ये है दोस्तों कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि भूत प्रेत ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर जिन जिन्नात विन्नात ये कुछ नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारे भाई कहते हैं और कहते हैं कि यार अंधविश्वास है, सिर्फ एनर्जीज होती हैं। सो मुझे भी नहीं पता, मैं इतना मानता हूँ कि एनर्जीज होती हैं, यू नो एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, यू नो। बट एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था जो क्लिक कर रहा था दिमाग में, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कौन है पहले आप बताइए। ये हैं दोस्तों हमारे बालाजी महाराज। जी हाँ, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज। दोस्तों आप कभी इनके दरबार में गए हो? मैं भी नहीं गया हूँ, बट मेरे जान पहचान वाले हैं जो गए हुए हैं और मैंने YouTube पे वीडियोस भी देखी हैं कुछ। सो दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, भूत प्रेत पिशाच निशा जिन जिन्नात वगैरह उल्टे सी ये सब चीज़ें अगर नहीं होती हैं, तो बालाजी के दरबार में, मेहंदीपुर बालाजी दरबार में ये जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़ें हैं? कैसे वहाँ पर इतने सारे लोग, इस तरीके के लोग वहाँ पे आते हैं जिन पे कहा जाता है कि कुछ नेगेटिव है उनके अंदर, और फिर वो वहाँ पर आने के बाद ठीक हो जाते हैं? कैसे यार कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि डॉक्टर तक हाथ खड़े कर देते हैं पर वो इंसान वहाँ जाकर ठीक हो जाता है? दोस्तों आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो कैसे वहाँ पर वो सब चीज़ें क्या होती हैं? मतलब अगर या तो ये पॉइंट गलत है या फिर ये पॉइंट गलत है, है ना? तो अगर हैं ये सब चीज़ें, हैं ये सब, मान लीजिए अगर नहीं है ये चीज़ें, तो बालाजी महाराज के जो दरबार में है वो सब क्या होता है? क्या वो गलत है? और अगर मान लीजिए मेहंदीपुर बालाजी में जो कुछ भी हो रहा है, अगर मान लीजिए वो गलत भी है, तो फिर गवर्नमेंट उसे बंद क्यों नहीं करवा रही, इस पर रॉक क्यों नहीं लगवा रही? कुछ तो लॉजिक है यार, कुछ तो ऐसा है जो डॉक्टर्स या साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है बट वहाँ पर जाकर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ तो ऐसा है जो बालाजी महाराज का जो दरबार है मेहंदीपुर का, वहाँ पर साइंस अपने घुटने टेक देती है। कुछ तो है ऐसा, कहते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर वहाँ इतने सारे चीज़ें मतलब कैसे अवेलेबल होती हैं? एक तो लोग हो सकते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि यार मानसिक रोग है, ये है वो है, उसको लगता है कि ये हो रहा है। तो अगर यार मानसिक रोग भी है तो फिर इतने सारे लोगों में मानसिक रोग, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जाते हैं यार। कहते हैं वहाँ से वहाँ जो प्रसाद मिलता है वो वहीं पे ख़त्म करना होता है, वापस नहीं ला सकते हैं, वहीं पे ख़त्म करना होता है। और जब मंदिर से बाहर आते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो कुछ मान्यताएँ हैं वहाँ की। तो दोस्तों अगर मतलब अंधविश्वास, अगर आपकी बात मैं रखूं कि अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए या अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें, तो फिर अंधविश्वास के इस पॉइंट से हटके ये सारी चीज़ें क्या हैं जो बालाजी महाराज के दरबार में होती हैं? जिस चीज़ का जवाब दीजिए दोस्तों। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं किसी भी भाई की के विश्वास पर, चाहे वो इन चीज़ों को मानता हो या नहीं मानता हो, दोनों विश्वासों पर मैं किसी पे भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस एक मेरा कन्फ्यूज़न था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करके मैं हाथ जोड़कर बस ये पूछना चाहता हूँ कि उस दरबार में क्या होता है? जी हाँ, आस्था और विश्वास का तो सारा खेल है, मैं मानता हूँ आस्था तो होती है। और कभी ना कभी देखिए मेरी लाइफ में कभी कहीं ना कहीं ऐसे चमत्कार कुछ हुए हैं, ऐसे पॉइंट्स आए हैं जब मुझे ऊपर वाले की शक्ति का एहसास हुआ है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जो मुझे विश्वास हुआ है, कुछ ऐसे काम थे जो होने ही नहीं थे, और मतलब मैं उम्मीद छोड़ चुका था बट वो हो गए। ऐसे ही किसी भाई के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जब भगवान ने अपने चमत्कार दिखाया होगा, जब एक नॉर्मल आदमी का विश्वास भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा जगा होगा, कुछ ऐसा ही बालाजी महाराज के दरबार में भी होता है। तो दोस्तों मैं बस यही कन्फ्यूज़न था यार, बहुत सारे भाई कहते हैं कि ये होता है वो होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती, नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं। तो
बहुत सारे ये लोग ये कहते हैं कि यार नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज जो होती हैं वो आप सिर्फ अपना एहसास दिला सकती हैं, वो किसी को उठा उठू के पटकती नहीं, अगर उठा के पटक देती तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाती है। ठीक है, मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर छोटा सा बस ये पॉइंट भी मुझे बताइए दोस्तों कि अगर नेगेटिव चीज़ें ऐसा नहीं कर सकती हैं तो फिर नेगेटिव एनर्जी किसी के शरीर में घुस के तांडव कैसे मचा सकती है, जो और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं, क्या सभी वहाँ पे मानसिक रोगी होंगे? मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, मैं सत्यता के ऊपर किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, या वो मतलब किसी के उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस अपने कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जिसका मैं सिर्फ आपसे सजेशंस मांग रहा हूँ या फिर आंसर मांग रहा हूँ। शायद मैं कन्फ्यूज हूँ, शायद मैं गलत हूँ, तो अगर किसी भाई को कुछ जब पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान।